क्लिक्स हेडलाइंस में आज की पहली खबर है कि T20I मेंस रैंकिंग्स में यशस्वी जायसवाल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल रैंकिंग्स जो है वो सामने आई है और यशस्वी जायसवाल को पहले मौका नहीं मिल रहा था खेलने का, लेकिन जब जिम्बाब्वे दौरे में और श्रीलंका के खिलाफ T20I में उन्हें लगातार सारे मुकाबलों में खेलने का मौका मिला है तो उनकी रैंकिंग्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल रैंकिंग्स के मामले में चौथे नंबर पे है तो वही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पांचवे नंबर पे है। यशस्वी जायसवाल T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा थे, लेकिन वहां पे ऐसा माना जाता है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपनिंग करवाई गई और नतीजा ये हुआ कि यशस्वी जायसवाल को एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब उन्हें मौके मिल रहे हैं तो वो लगातार अपनी रैंकिंग्स में सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि गौतम गंभीर ने श्रीलंका को T20I में क्लीन स्वीप करने के बाद इंडियन प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा होमवर्क दिया है और वो होमवर्क ये है, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ODI टीम का हिस्सा नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ODI मैचेस भी खेले जाने हैं, 3 मैचों की ODI सीरीज खेली जानी है, तो उसके लिए गौतम गंभीर ने बोला कि भाई आप चाहे मैच खेलो चाहे आप रेस्ट करो, लेकिन आपको अपनी फिटनेस पर 100% ध्यान देना है। हार्दिक पांड्या संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी ODI टीम का हिस्सा नहीं है, स्पेशली ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मैसेज है वो हार्दिक पांड्या के लिए ही दिया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब चाहे तब इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब उनकी फिटनेस में बहुत ज्यादा इश्यू आ जाता है, अगर वो हल्की सी बॉलिंग भी करते हैं तो उसमें भी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो स्ट्रिक्टली गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या को बोला है क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और उसमें भी प्लेयर्स का फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हार्दिक पांड्या तो टेस्ट खेलते नहीं है, लेकिन और प्लेयर्स को गौतम गंभीर ने सख्त आदेश दिए हैं। तीसरी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है। बहुत दिनों से ये बवाल चल रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी, और अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि ICC ने पाकिस्तान को बोला है कि अगर टीम इंडिया नहीं जाती है पाकिस्तान खेलने तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। यहां तक ये भी बातें चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल पे करवा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है और पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान में ही होगी, हाइब्रिड मॉडल का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है। अगली खबर यह है कि जो रूट ने टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया। आपको बता दें कि साल 2014-15 में जो रूट नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बने थे और अब 2024 में भी उन्होंने अपनी पोजीशन को वापस पा लिया। रोहित शर्मा भी टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं, हालांकि बहुत दिन से इंडियन टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा का जो रैंकिंग्स है वो 10 के अंदर में आ चुकी है। अगली और आखिरी खबर है कि श्रीलंका ने ODI सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कैप्टन उन्होंने सेम ही बनाया जो T20 के कैप्टन थे चरित असलंका, उन्हें ही कप्तानी सौंपी गई है ODI की भी। T20 में इंडिया के हाथों श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप होना पड़ा। श्रीलंका का जो डाउनफॉल है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो कोच चेंज कर ले चाहे वो प्लेयर्स चेंज कर ले, लेकिन वो डाउनफॉल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए T20 में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, तीसरे T20 में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलते, तब भी इंडिया की एक बी टीम ने यंगस्टर से भरी टीम ने श्रीलंका को हरा दिया था जिसमें सारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे। लेकिन अगर ODI शुरू होती है तो उसमें रोहित शर्मा विराट कोहली भी खेलेंगे, ऐसे में श्रेयस अय्यर भी होंगे, ऐसे में अगर इंडिया और श्रीलंका भिड़ती है तो फिर श्रीलंका का क्या हाल होगा। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।